सबको पता था कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध करेंगे कौरवों को कोई नहीं हरा सकता था। यह सोचकर कृष्ण ने एक दिन कहा कि क्यों न हम भीष्म से ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछें। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुँचे। भीष्म ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरव पक्ष अजय है। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया। द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की थी। द्रुपद के घर वह कन्या के रूप में पैदा हुआ लेकिन दानव के वर से फिर से पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को जर्जर कर दिया तथा वे रथ के नीचे गिर पड़े, पर पृथ्वी पर नहीं तीरों की शैया पर पड़े रहे। भीष्म के गिरते ही दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। कौरवों तथा पांडव दोनों शोक मनाने लगे। भीष्म ने कहा, मेरा सिर लटक रहा है, इसका उपाय करो। दुर्योधन एक तकिया लाया पर अर्जुन ने 3 बाण भीष्म के सिर के नीचे इस प्रकार मारे कि वे सिर का आधार बन गए। फिर भीष्म ने कहा, मुझे प्यास लगी है। दुर्योधन ने सोने के पात्र में जल मंगाया पर भीष्म ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने 1 बाण पृथ्वी पर मारा जिससे स्वच्छ जलधारा फूटकर भीष्म के मुंह पर गिरने लगी। पानी पीकर भीष्म ने कौरव पांडवों को जाने की आज्ञा दी और कहा, सूर्य के उत्तर नारायण होने पर मैं प्राण त्याग करूँगा। भीष्म के सरसैया पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर भीष्म से मिलने आया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वह विजयी होगा पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ, तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो, तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं अब सूत अधिरथ का ही पुत्र हूँ जिसने मेरा पालन पोषण किया है। यह कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट आया। भीष्म के बाण सैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो गया तब आचार्य द्रोणाचार्य ने सेना का अधिपत्व भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में दृष्टद्युम्न सेनापति हुए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।